तो यहाँ पे देखिए जी, बच्चे आ गए हैं और काफी टाइम लग गया इनको, 10 ही बजने वाले, और यहाँ पूरे एक्साइटेड हो रहे हैं। वहाँ का आके वहाँ का बता रहे हैं कि जो जो हुआ वही सब जो आज रामलीला हो गया ना, हमारी मम्मी रामलीला जैसा रामलीला का मंचन हो गया, इस तरीके से हो रहा था। उनके वहाँ पे भगवत गीता का हुआ, हमारे यहाँ पे जो प्रोग्राम था वो था शाम को 7 बजे जैसे प्रोग्राम रखा जा, लेकिन ईशु भी, गुड्डू भी और पीहू भी और रोही भी चारों की चारों चली गई थी, इंदु लेके इन्हें सारो रोटी बनाने वाले और खाने वाले थे। पहले ये देख लो आप, देख लो और सारी चीज अलग है, इसकी खुशी देख लो, भूख लग रही, ले आओ भी इसकी खुशी देख लो पहले। इन्ने देख सारी टेबल सजा दी आपने ही, अब नो कह रहा, नो कह रहा क्यों खोल रहा है, नो कह रहा आज तो पार्टी जम के होगी, पूरा एक्साइटेड हो रहा। चलो आज इसका बर्थडे है तो कुछ तो परफॉर्म करके दिखाएंगे सब सारे। तो यहाँ देखिए जी, केक आ चुका है और केक मैंने पहले दिखा दिया था आपको, ये देखिए केक जैसा कि बताया था कि सिंपल सा ही बनवाया, और यहाँ गुड्डू ने ओपन कर दिया है और अब बस करेंगे केक कट। और कृष्णा को तो आज केक काटने तो ज्यादा इनका हो रहा, चीजी कैसे खबर, इसने कुछ नहीं खाया जब से, यही यूं के यूं इधर रखी सारी, इन कह रहा अख बस जब मैं आएंगे तभी खाएंगे। आए हैं बर्थडे गर्ल, अच्छा चलो चले पी रुई। ए नु कह रहा था अख, मुझे तो पापा ने नु कहा केक तू ही काटेगा, कोई बात नहीं, केक पई है इशू भी और केक पई है बर्थडे, दोनों चीज इशू बहुत पई है। चलो तो यहाँ पे देखे जी, प्यूरू ही तुम भी बैठो जा के बराबर में, बस बेचारे का एक्साइटमेंट पूरा है। काट यो बिना अंडे का ही बने वहां से, इस दुकान पर तो हमने ही लावे हाँ, नहीं सच में ही नहीं, उसमें अपनी दुकान पर बेचते ही नहीं अंडे वाला, उनका तो बिल्कुल वो है। अब बारी बारी से आ जाइए और ईशु को केक खिला दीजिए सभी, और तिलक कर दो ईशु, तू ही गुड्डू तू कर दे पहले। देखिए जी केक कट हो चुका है और उसके बाद बस सब बारी बारी करके तिलक करेंगे, और बच्चों की देखिए खुशी अलग ही होती है अपने बर्थडे की, और यहाँ पे ईशु भी बहुत खुश है और कृष्णा की तो खैर खुशी का ठिकाना ही नहीं, वो तो आप देख ही रहे होंगे।
कृष्णा ज्यादा एक्साइटेड केक से भी ज्यादा ये जो इसने अपने सामान ला रखे उनके लिए है कि हम इनको पार्टी करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ये गया तो फिर इनको लेके ही गया क्योंकि लेट हो गए थे बहुत ज्यादा। फिर खाना खाया, केक खाया, तो फिर पार्टी की जगह नहीं थी। मैं कहा चलो कल कर लेना। फिर ये जो इन्होंने सारों ने सामान अपने अपने लिए मतलब बांट लिया था आपस में, तो वो लेके चले गए थे अपना। जो यहाँ पे थे उन्होंने यहाँ पे रखा, जो गए थे वो लेके गए थे। तो यहाँ पे देखे तिलक कर दिया इसने भी ईशु का, और ईशु के साथ तो खैर कृष्णा की अलग ही बॉन्ड है। ये दोनों मतलब कृष्णा ईशु का करता है, ईशु भी बहुत करती है, दोनों ही गुड्डू भी और ईशु भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो वही हंसी मजाक इनकी चलती रहती है। ईशु इसको छेड़ती भी रहती है और करती भी बहुत है। तो यहाँ पे जो गिफ्ट लेके आए थे ये इंदुअर इसके लिए ईशु के, तो वो कृष्णा कह रहा था कि मैं ही दूंगा। तो यहाँ पे छोटी ईशु ये पीयू और रूही भी छोटी है, तो वे कहने लगे कि हमें भी देना। तो यहाँ पे देखिए बस सब कह रहे कि तीनों अच्छा पकड़ लो, ये तो इतना बड़ा तीनों पकड़ लेंगे। तो यहाँ देखे सभी की मस्ती चल रही है और गिफ्ट भी दिया, और बच्चे देखे अलग ही खुशी। और बच्चों का बर्थडे एक अलग ही वो होता है आजकल, जैसा बच्चे करते हैं बड़ों का तो नहीं होता। हमारे लिए तो बर्थडे आ रहा या नहीं आ रहा इतना वो नहीं होता, लेकिन बच्चों को एक अलग ही खुशी होती है। और बल्कि मेरा तो इस बार मन भी नहीं था मनाने का, और ज़्यादा कुछ खैर करा भी नहीं। बैलून्स वगैरह ये कह भी रही थी, मैं कहा नहीं बेटा ऐसे ही कर ले। तो फिर इतना ही किया, केक कट किया और खाना बनाया। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। और आजकल तो मेरा मन इतना परेशान रहने लगा बहुत ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊँ कि करती मैं सब कुछ हूँ लेकिन फिर भी मेरा मन में ना बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ इस टाइम में। समझ नहीं पा रही क्या करूँ क्या नहीं करूँ, काम भी सारे करने। अब एक चीज़ है कि चलो मायके की तरफ से परेशान हूँ, लेकिन ससुराल में बच्चों की खुशी है, ससुराल के सारे रीति रिवाज हैं, रस्म है, वो भी करनी ज़रूरी है, वो भी नहीं छोड़ सकती, और करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इतना मन परेशान रहता है, दोनों चीज़ में इतनी फंसी रहती हूँ कि क्या करूँ करूँ ना करूँ। करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें देखती हूँ सामने तो वो करनी पड़ती हैं। हालात चाहे कुछ भी है लेकिन करने पड़ते हैं। बस ऐसे ही मन को दबा दबा के सब कुछ यही है कि कब तक छोड़ देंगे, दर्द तो फिर भी रहेगा जितना ज़्यादा। बल्कि मम्मी से मेरी बात होती रहती है पूरा दिन, हम इस बारे में बहुत बात करते हैं। मम्मी भी कहती है कि तू ज़्यादा ही टेंशन लेती है, इतना मत सोचा कर वरना तो परेशान रहेगी, फिर बीमार हो जाएगी, फिर बच्चों को भी देखना, काम भी देखना, फिर कैसे करेगी, है कितना मत सोचा कर तू। और पता है कि भाई वो सब कुछ भूल के हमें आगे बढ़ना है। भूलना तो जाता नहीं, लेकिन उसको यह है कि आगे तो बढ़ना ही है, ये तो ज़िंदगी है। ये पता किसी के जाने से कभी नहीं रुकती, सब काम होते हैं, आदमी इंसान चले जाते हैं लेकिन रुकता कुछ नहीं है। एक दिन रोक लो, दो दिन रोक लो, हाल तो रुकता ही नहीं। सबसे बड़ा है खाना, खाना ही नहीं रुकता तो और क्या रुकेगा, और खाने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। और बस चाहे मन हो ना हो लेकिन कुछ काम करने ही होते हैं। और बच्चों के बर्थडे का तो ये आपको पता ही है कि बच्चों को इतना नहीं पता, ईशु भी अभी छोटी है, हमें तो अलग ही होता है कि हाँ आज हमारा बर्थडे है, हमें सेलिब्रेट करना। तो यहाँ पे थे खैर लग रहे थे सारे ही, और बच्चे अपना गिफ्ट वगैरह खोलने में लग गए हैं, और मैं फिर से आ गई हूँ रसोई में। बच्चों ने भी खाना खुना खा लिया सबने, हमने तो पहले ही खा लिया था जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया था, लेकिन फिर इन्होंने बच्चों ने खाया, इंदु ने खाया। तो यहाँ अब मैंने बनाई है चाय सबके लिए, रख दी है चाय बनने के लिए। मम्मी क्या हो रहा था सर में दर्द, मम्मी कह रही थी कि मेरे पता नहीं क्यों सर में दर्द हो गया। और यहाँ पे बस फिर मैंने चाय रख दी, मैं कहा चलो सभी पी लेंगे, खाना भी सबने खाया ही था। तो दही वगैरह तो थी नहीं क्योंकि सबकी तबीयत ऐसी हो रही थी, सर में दर्द सा ही हो रहा था। और आजकल मौसम ही हो रहा है ऐसा, जैसा कि आपको पता काफ़ी बदल रहा है। तो यहाँ पे जब तक चाय बनी मेरी तो तब तक मैंने सोचा चलो ये बर्तन है, बच्चों ने खाना खाया था, मैं कहा चलो ये भी मैं करके रख देती हूँ, साथ साथ ही ये भी साफ हो जाएंगे। इधर देखे बस जब तक बर्तन किए, वैसे पहले तो मैंने कर ही लिए थे अपने खाने के, तो जब तक किए तो यहाँ चाय बन के तैयार हो गई है, और बस मैं सबके लिए लगा लूँगी। पहले तो इसके पापा भी ना कर लेते, फिर
फिर ये कहने लगे कि मेरी भी लगा ले। तो मम्मी के लिए मैंने गिलास में रख ली और सबके लिए कप में ले ली, जो भी मुझे मिला सामने उसी में ही ले ली मैंने। तो बल्कि इंदु जाने लग रही थी, मैं कहा मैंने चाय बना दी, चाय पी लो पहले फिर चले जाना, क्योंकि लेट हो ही गए थे काफ़ी। और इधर बस सब पीने लगे। गुड्डू के पापा की तबीयत भी उस दिन बहुत ख़राब थी, इनको कोल्ड और फीवर हो रहा था उस दिन, और यहाँ पर देख ही रहे होंगे आप, उनकी तबीयत थोड़ी ढीली है। मम्मी भी कहने लगी कि सर में दर्द हो रहा, और यहाँ बस भैया कह रहे थे कि चलो, उनको आ रही थी नींद, क्योंकि देखिए सुबह से भाग दौड़ इतनी रहती है, भैया की तो सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि दुकान का काम भी देखना, घर का भी देखना, फिर उधर जो घर में काम लगा हुआ उधर भी बार बार जाना पड़ता है, उनको मिस्त्रियों को सामान भी देना, भैया की तो बिल्कुल रेल बनी हो रही, तो थक भी जाता है इंसान शाम तक, और 10:30 के लगभग बज चुके थे, इसीलिए हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, फटाफट ही करा मका नहीं, जिससे कि रेस्ट कर ले, क्योंकि लेट तो हो ही रहे थे सारी चीज़ में। तो यहाँ देखिए जो गिफ्ट मिला है, ये दिया है पीहू रूई और कृष्णा ने ईशु को गिफ्ट, ये है टेंट हाउस, और इसको इन्होंने ज्वाइंट कर दिया, और बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, और ईशु तो खुश होगी बिल्कुल, एक मतलब एक अलग सा गिफ्ट मिला इस बार, और बहुत अच्छा है। तो जी, जो प्रोग्राम था वो तो हो गया, और 10:30 क्या पौने 11 होने वाले, 10:40 हो गए, और बस में भी चले गए इंदुवर उधर, और इधर रूई रुकी आज, पीयू और कृष्णा गए इनके साथ। तो अभी बस रेस्ट करते हैं सब, कपड़े वगैरह बदल के प्लेट टंगे, ईशु बदल लिए, रूई को दे दिए कपड़े, और मम्मी लेट गया, मम्मी के हो गया सिर में दर्द, अभी चाय दी बना के, तो थोड़ा सा सोवेंगे, असल में हो रहा लगा, दवाई ले लेते, दवाई ले ली, ले लेती, कभी फिर ज्यादा हुआ है, कभी ज्यादा हो जाऊंगा। तो यहाँ पे बस अब वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे, और आप भी ईशु को बहुत सारी विशेष देना कि अच्छे अच्छे काम करे, अच्छी बने, और खुश रहे हमेशा, भगवान इसे सारी खुशियाँ दे। तो आप भी अपनी बेस्ट विशेष देना, और पढ़े लिखे अच्छे से। तो बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।